सिलियन मर्फी की ओपनहाइमर एंड पीकी ब्लाइंडर्स तो आपने देखी ही होगी, बट नेटफ्लिक्स पर उनकी एक रिसेंटली मूवी आई है, ऑल दो 2005 की है, बट आई एम 100% श्योर आप में से वो बहुत कम लोगों ने देखी होगी। नाम है रेड आई। तो चलो इसका रिव्यू विदाउट एनी स्पॉयलर्स स्टार्ट करते हैं। तो इस 1 hour 25 minutes की सर्वाइवल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी में आपको सिलियन मर्फी के साथ साथ रेचल मैकएडम्स भी देखने को मिलेंगी। इसकी स्टोरी भी यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड ग्रिपिंग है। रेचल का कैरेक्टर लीसा, उसका दिन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा रफ डे है, और प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब उसकी फ्लाइट हो जाती है डिलेड। बट उसको सिलियन मर्फी मिलता है, जैक्सन जिसका नाम है, एक बहुत ही चार्मिंग कैरेक्टर, बहुत ही फनी, बहुत ही फ्लर्टी, जो उसको खुश कर कर रखता है रेचल को। इनकी आपस में मुलाकात होती है रैंडम स्ट्रेंजर्स एंड फ्लाइट में इनकी सीट भी सेम हो जाती है, तो बहुत सारे कॉइंसिडेंस होते जा रहे हैं। तो स्टार्ट होती है ये फ्लाइट जर्नी, जिस फ्लाइट का नाम ही है रेड आई। तो ये स्टार्ट होती है एकदम फ्लर्टी, फन, सार्कास्टिक, फ्लर्टी वे में। बट रेचल के कैरेक्टर लीसा को भनक भी नहीं थी उसके साथ आगे फ्लाइट में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि सिलियन का कैरेक्टर है इसके अंदर एक टेररिस्ट, और उसकी एक डिमांड है जो सिर्फ और सिर्फ रेचल ही पूरी कर सकती है। तो उसको दी जाती हैं 2 choices, एक को करना है चूज। क्या वो चूज करेगी इस फ्लाइट जर्नी के अंदर ही, जो मैक्सिमम पार्ट स्टोरी का फ्लाइट के अंदर ही निकलेगा, बहुत ज़्यादा टेंस माहौल, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग राइट, सिलियन मर्फी एज टेररिस्ट, इंडीड इट इज। तो मोस्टली मूवी तो ये एक फ्लाइट के अंदर ही निकल जाती है, जिसके अंदर ज्यादा बाकी कोई करेक्टर्स है नहीं, 2 पर ही ये स्टोरी फोकस करती है, और बहुत ज्यादा फास्ट पेस है, तो बोरिंग एलिमेंट तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। एंड जो रेचल का करेक्टर है वो फ्लाइट के अंदर ही क्या क्या कारनामे करेगी अपने आप को बचाने के लिए, या चॉइस को चूज करने के लिए क्या क्या उसके दिमाग में चलेगा, ये सब कुछ आप फील कर पाओगे। एंड उसके अलावा सिलियन मर्फी का करेक्टर जैक्सन, यार एक टेररिस्ट का करेक्टर जिसके अंदर सार्कैज़म, फ्लर्टी वाला भी एक चार्म है, तो वो देखकर तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एंड सोने पे सुहागा, ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। एंड प्लैटिनम पे सुहागा, ये आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, कोई भी ऐसा वैसा सीन नहीं है। तो सिलियन मर्फी के अगर फैन हो, उनका स्टार्टिंग का वर्क देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच बन जाती है। और अगर आपको फ्री में मूवीज देखनी है, एकदम आपके पास है 10 मिनट, तो इस वीडियो पर टैप करो, 12 मूवीज बताई हैं, वरना अलविदा।